आप लोग? तो फ्रेंड आपका फिर से नए चैनल रोलक्स ब्लॉग पे स्वागत है। तो फ्रेंड आज का ये जो ब्लॉग है, तो फ्रेंड हम लोग आए हुए हैं पटना जंक्शन। जी हाँ फ्रेंड, आप पीछे देख सकते हो हम लोग पटना जंक्शन आए हुए हैं। तो फ्रेंड इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पटना जंक्शन कैसा आपको देखने में लगता है, कैसा स्टेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि फ्रेंड यहाँ जो है रोज पर डे यहाँ 10 लाख आमदी जो है यहाँ पे उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको पटना जंक्शन पूरा घुमाते हैं कि आपको पटना जंक्शन देखने में कैसा लगता है। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हो पटना जंक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको मीठापुर तरफ का पटना जंक्शन गेट ऐसा दिखेगा, और जो पीछे है गांधी मैदान का गेट यानी कि पटना जंक्शन का गेट, वो आपको कैसा लगा वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप पहले तो इधर का पार्किंग देख लीजिए कितना बड़ा है पटना जंक्शन का। ये देखिए आपको ये पार्किंग देखने को मिलेगा पटना जंक्शन, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ पटना जंक्शन का अंदर का हुलिया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग पटना से हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप लोग बाहर से हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो देख सकते हो पटना जंक्शन आपको ये देखने को मिल रहा होगा, और पटना जंक्शन एंट्री गेट ये है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अनाउंस कर रहा है कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। ये देखिए रोज इतना यात्री लोग जो है पटना जंक्शन पे आते रहते हैं। और ये देखिए आपको टिकट काउंटर वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप पूछ सकते हो कि ट्रेन कब कहाँ और कहाँ जाने वाली है, कहाँ से आने वाली है। यहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हो, ये इंक्वायरी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पूछताछ हुआ है, और आप लोग यहाँ पे टिकट ले सकते हो ट्रेन का। तो आप तो यहाँ का गेट देख लिए जो कि यहाँ पे टिकट मिलता है। अब चलिए मैं आपको आगे का दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन की देखने में कैसा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोग जो है एक दिन में उतरते चढ़ते दोनों हैं। और ये देखिए इस सीढ़ी से आप लोग जाइएगा स्टेशन, जो कि ऊपट्टी महावीर मंदिर पड़ता है। तो उसका भी ब्लॉग नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे जाके ब्लॉग देख लीजिएगा महावीर मंदिर का। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पटना जंक्शन का ब्लॉग। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुल 3 से 4 लिफ्ट पटना जंक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए लिफ्ट, और पटना जंक्शन का आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ पे आपको 10 नंबर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा पटना जंक्शन में। तो देखिए पटना जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एंड हो जाता है, और यहाँ देखिए 10 नंबर प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जो है यहाँ से गाड़ी आती है, यहाँ से गया लाइन की रूट में ये गाड़ी जाती है 10 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो अभी हम लोग चढ़ चुके हैं लिफ्ट पे, आपको लिफ्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए पटना जंक्शन 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, और हम लोग अभी जाने वाले हैं उस नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये 10 नंबर प्लेटफॉर्म है जो कि है सबसे लास्ट में 10 नंबर प्लेटफॉर्म पड़ता है, और मैं अब जा रहा हूँ वहाँ 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर, 8-9 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं जा रहा हूँ आपको। और यहाँ मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और ये है जो ये पट्टी से वो पट्टी आपको जाने का रास्ता मिलेगा। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 8998। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर नीचे का। तो ये देखिए 8 नंबर प्लेटफॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख रहे हो 8 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये आपको 9 नंबर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, जस्ट पीछे में ही। ये आपको 9 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जो है 8 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा आपको, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 9, ठीक है। देख लीजिए, और आपको यहाँ पे ये आपको 8 देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और ड्यूटी आरके
तो चलिए अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर जाने के बाद फिर उधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फिर से हम लोग ऊपर आ गए हैं और 8-9 प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं और अब हम लोग चलते हैं नीचे में। यहाँ पे मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म नंबर है। अभी हम लोग उधर से आए जो कि 8-9 प्लेटफॉर्म नंबर इधर था और इधर जो प्लेटफॉर्म नंबर है 6 इधर है, प्लेटफॉर्म नंबर देख सकता है 6 इधर है और 7 उधर है। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए 7 नंबर जो प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। 7 नंबर ये है और वो था 8 नंबर और 9 नंबर, ये 7 है और ये बगल वाले 6 है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 आपको हर एक प्लेटफॉर्म नंबर दिखा रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक का प्लेटफॉर्म नंबर है और मैं आपको ये 6 प्लेटफॉर्म नंबर दिखा रहा हूँ। ये देखिए 6 प्लेटफॉर्म नंबर ये है, ये आपको 6 प्लेटफॉर्म नंबर देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 जाके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो 4 और 5 प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे में। तो चलिए मैं आपको 4 5 प्लेटफॉर्म नंबर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 वहाँ देखे थे, अब मैं यहाँ आपको 5 दिखा रहा हूँ और 4 प्लेटफॉर्म नंबर दिखा रहा हूँ, जो कि 4 में आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और मैं आपको 5 नंबर प्लेटफॉर्म ये है आपका देखने को मिलेगा। मैं आपको 1 से लेकर 10 तक पूरा प्लेटफॉर्म नंबर दिखाऊँगा। ये देखिए 5 का प्लेटफॉर्म नंबर। और ये है 4 नंबर प्लेटफॉर्म जो कि गाड़ी लगा हुआ है। यहाँ देखिए अभी 11-12 बजे वीडियो बना रहे हैं और यहाँ जो है हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको 3 प्लेटफॉर्म नंबर और 2 प्लेटफॉर्म नंबर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी सीढ़ी भी टूट चुका है, यहाँ प्लेटफॉर्म बन रहा है पटना जंक्शन में, देख सकते हो अभी बनने वाला है बहुत अच्छा यहाँ प्लेटफॉर्म। आप लोग पटना जंक्शन आए होंगे तो देखे होंगे। और ये 4 प्लेटफॉर्म नंबर है। अब चलिए मैं आपको 3रा और 2रा दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब 2रा 3रा प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ चुके हैं और चलिए अब हम आपको 2रा 3रा प्लेटफॉर्म नंबर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी हुई है और जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है वो साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको 3 नंबर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा ये। तो आप देख सकते हो 3 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर ये है जो कि आप लोग देख सकते हो और 4 नंबर प्लेटफॉर्म ये है, सॉरी फ्रेंड 2 नंबर प्लेटफॉर्म ये है जो कि यहाँ पर समस्तीपुर जयनगर पटना सासाराम का ट्रेन लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर प्लेटफॉर्म और वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रेन लगी हुई है समस्तीपुर जयनगर सासाराम के लिए जाने के लिए ये ट्रेन लगी हुई है। अब चलिए प्लेटफॉर्म नंबर ओनली 1 बच गया जो कि 1 पे ही पूरा आपको देखने को मिलेगा हैवी। तो देख लीजिए नीचे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो कि हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे से, लिफ्ट से हम लोग उतरेंगे अभी, आप लोग देखते रहिएगा। और प्लेटफॉर्म नंबर हम लोग 1 पे जा रहे हैं और महावीर मंदिर जस्ट वहीं पे है, उसके बगल में ही पटना जंक्शन है। अगर आप लोग महावीर मंदिर का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइएगा, महावीर मंदिर का ब्लॉग देख लीजिएगा, स्टेशन का पूरा पटना का ब्लॉग इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग लिफ्ट इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत लोग लिफ्ट से आ रहे हैं जा रहे हैं।
क्या हिलता है भाई, टूट टूट गया का? यहाँ देखो सलमान खान, ठीक है। और ये देखिए आप लोग महावीर मंदिर, जय बजरंग बोली। अगर आप लोग महावीर मंदिर का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो इसके अगले वीडियो में या अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और उसमें जाके आप लोग ब्लॉग देख सकते हो। तो चलिए ये गेट नंबर 3 है, ठीक है। और हम लोग आपको इसका आगे का सीन दिखाते हैं जो कि ये मेन सीन है, ठीक है। गेट नंबर 2, और मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखिएगा। तो चलिए मैं आपको अंदर से एंट्री दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना लोग आए हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो कि यहाँ पे 1 है, आपको 1 देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म नंबर। ये देखिए पूछताछ, यहाँ पे इंक्वायरी आप लोग कर सकते हो। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर आपको 1 यहाँ देखने को मिलेगा। आपको मैंने दिखाया था वहाँ 2-3 दिखाया था प्लेटफॉर्म नंबर, अब ये आखिरकार ये लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर है 1। तो चलिए अब मैं इसका आगे का सीन दिखाता हूँ, जो कि आगे का जो है इतना अच्छा से डेकोरेट किया गया है, डेकोरेशन किया गया है पटना जंक्शन का। आप यहाँ भी देख सकते हो, आपको पार्किंग देखने को मिलेगा पटना जंक्शन के बाहर। और देख लीजिए आपको पटना जंक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा पटना जंक्शन का। ये आपको महावीर मंदिर पटना जंक्शन। तो फाइनली आप लोग पटना जंक्शन देख लिए होंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग जो है पटना जंक्शन देख लिए होंगे, पूरा प्लेटफॉर्म नंबर पटना जंक्शन देख लिए होंगे। आपको पटना जंक्शन देखने में कैसा लगता है? तो आप लोग यहाँ पे पटना जंक्शन पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।